वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्लास देख लिए स्टूडेंट्स। अब उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आ रहा और किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है वो नहीं पता है तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आगे की क्लास देखो। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट देख रहे हैं जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते वो वीडियो देखो ही मत, क्योंकि मतलब नहीं है, सही से ना सॉल्व ही नहीं कर पाओगे तुम एमसीक्यू। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले भी कि वो वीडियो कंप्लीट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट सही से सीख लो, उसके बाद ही बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करना, क्योंकि पहला स्टेप ही यही है। तो चलो आज बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे। अब टेक्स्ट बुक में बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन की दो मेथड गिवन है, कौन कौन से टू मेथड गिवन, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरी हाफ रिएक्शन मेथड। और हाफ रिएक्शन मेथड का एक और नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये दो नाम है। लेकिन मैं तुम्हें इससे हटकर एक अलग मेथड सिखाऊंगा और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है और आसानी से सॉल्व कर पाओगे, तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है अंदर, तो एक सिंपल सी मेथड सिखाऊंगा, इससे तुम आसानी से एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो एक नई मेथड ऐसा समझ लो, टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिलेटेड है थोड़ा, तो अलग ही मेथड है पूरी। तो चलो उसके स्टेप्स लिखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे वो। कोई भी मेथड अगर तुम देखोगे ना तो सबके स्टेप्स है, तो ये जो मेथड है उसके भी स्टेप्स है लेकिन उसके कम स्टेप्स है और आसान है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन और जिसका रिडक्शन हो रहा है सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप यही होगा। सेकंड स्टेप क्या है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता चल गया हमें उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस द एटम विच ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। जो एटम ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं उसके ही एटम बैलेंस करने हैं, दूसरे नहीं करने। जब एग्जांपल लेंगे ना तब और क्लियरिटी समझ में, और क्लियरिटी हो जाएगी तुम्हें। तो पहले स्टेप समझने की ट्राई करना, ओके। थर्ड नंबर स्टेप है यहां पर, जब बैलेंस एटम हो जाए उसके बाद बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है उसे बैलेंस करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास मीडियम दो टाइप के हो सकते हैं, या तो जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में या तो वो बेसिक मीडियम में, तो उसके हिसाब से स्टेप्स आगे के स्टेप्स दो इसके हिसाब से है। तो फर्स्ट अगर एसिडिक मीडियम है तो चौथा स्टेप क्या होगा वो, हाँ तीन स्टेप तो कॉमन है लेकिन जब एसिडिक मीडियम है तो अब क्या करेंगे वो, तो फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम, बैलेंस ऑक्सीजन बाय H2O। ऑक्सीजन जितने भी है उसे H2O ऐड करके बैलेंस करेंगे। अगर मान लो दो ऑक्सीजन का चेंज है तो वहां पर दो H2O ऐड कर लो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस बाय H+। एसिडिक मीडियम H+ ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे हम। और आखिरी स्टेप है चार्ज, चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में बैलेंस हो ही जाएगा, मतलब ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चेक करेंगे लास्ट में कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। चलो अगर बेसिक मीडियम है तो, अगर बेसिक मीडियम गिवन है तो स्टेप्स थोड़े अलग है, तो फर्स्ट स्टेप तीन स्टेप तो यही है, तो चौथा स्टेप वहां पर कौन सा होगा वो, तो फोर्थ स्टेप में अब क्या करेंगे वो, तो सबसे पहले हम चार्ज बैलेंस करेंगे। अगर बेसिक मीडियम है बैलेंस दी चार्ज बाय, बैलेंस चार्ज बाय OH-, OH- को ऐड करके हम चार्ज को बैलेंस कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस बाय H2O। एंड सिक्स हाइड्रोजन बैलेंस किया नहीं हमने, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा ऑटोमेटिकली डायरेक्टली बैलेंस हो ही जाएगा। तो ये स्टेप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स याद करो लिख लो, अब एग्जांपल लेकर समझने की ट्राई करो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हो सकता है वो। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर,
एक रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स, किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये रिएक्शन है और गिवन है एसिडिक मीडियम। कौन से एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन गिवन है और बोलेंगे तुम्हें बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आगे क्वेश्चन मार्क कर देंगे यहां पर क्या वैल्यू आएगी। ओके तो अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यहां पर 2 Cr है तो यहां पर मैं 2 Cr कर लूं, यहां पर ऐसे ऐसे तो बैलेंस हो गया, नो वैसे बैलेंस नहीं करना है यहां पर। ओके इसके स्टेप्स है और कौन सी ये न्यू मेथड जो है ना वो वाली मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, चलो यहां पर आंसर क्या होगा वो फाइंड आउट कर रहे हैं अब हम। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है यहां पर, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहां पर क्रोमियम का, कैलकुलेट करके बोलो +6 है। ऑक्सीजन का कितना होगा -2 है। सल्फर का यहां पर कितना होगा -6, सामने गया तो +6 और +6 में से 2 कम करो तो कितना हुआ यहां पर +4। तो सल्फर का +4, ऑक्सीजन का तो -2 ही है। क्रोमियम का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सल्फर का यहां पर +6 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आगे वीडियो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं तो वो देख लेना। चलो सेकंड नंबर बैलेंस दी एटम, और कौन से एटम बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वही। तो चलो सबसे पहले तो देख लो यहां पर क्या हुआ, क्रोमियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में, +6 से +3 में हुआ, मतलब क्या हुआ इसका तो रिडक्शन हो रहा है, यस रिडक्शन हो रहा है यहां पर। दूसरा सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, मतलब यहां पर इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, यही तो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है फाइंड आउट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके एटम बैलेंस करो। तो यहां पर क्रोमियम कितने 2 है, यहां पर क्रोमियम कितना 1 ही है तो उसे बैलेंस कर दे यहां पर हम 2 पुट करके। चलो सल्फर यहां पर 1 है, सल्फर यहां पर 1 है तो बैलेंस ही है सल्फर, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो सेकंड स्टेप डन, यस डन। चलो अब थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप में हमें चार्ज फोकस करना है और उसे बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो +6 से कितना हो रहा है +3, एक क्रोमियम में कितना चेंज आ रहा है +6 से +3 हो रहा है, 3 का चेंज आ रहा है ना, +6 से +3 3 का डिक्रीमेंट हो रहा है एक क्रोमियम में, लेकिन 2 क्रोमियम में कितने होंगे 6 हो जाएंगे। n फैक्टर फाइंड करना होता है यहां पर, तो कितना चेंज आया यहां पर 6 का चेंज आ रहा है, एक क्रोमियम में 3 लेकिन 2 क्रोमियम में यहां पर देखो तो 6 हो गई। चलो यहां पर सल्फर +4 से +6 कितना चेंज आ रहा है यहां पर 2 का चेंज आ रहा है, यस 2 का चेंज, तो 2 लिख लो यहां पर। अब इसे बैलेंस करना है तुम्हें, यहां पर 6 है यहां पर 2 है तो इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। स्कूल के एग्जाम में लिख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना हर बार अलग अलग, लेकिन हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं यहां पर। ओके तो अब मैं इसे अलग से लिख रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसे दोनों को। तो अब चलो क्या रिएक्शन लिखेंगे, अब यहां पर हम Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, कितने से मल्टीप्लाई करना है इसे बाद में कर रहे हैं। चलो यहां पर 2 Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये वाले स्टेप को कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हम इसे, इसमें गलती होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स की। चलो उसके बाद हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस, यस एसिडिक मीडियम है, यस एसिडिक मीडियम है। फोर्थ स्टेप कौन सा है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन काउंट करो दोनों तरफ कितने फिर बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहां पर 7 यहां पर 9, 7 और 9 कितने ऑक्सीजन हुए यहां पर 16 ऑक्सीजन है, यहां पर कितने हैं 12 ऑक्सीजन है, यहां पर 16 यहां पर 12, यहां पर कितने कम है 4 ऑक्सीजन अभी भी कम है। तो जितने ऑक्सीजन कम है उतने क्या करेंगे हम 4H2 उतने H2 ऐड कर लो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस के बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन काउंट करो कितने हाइड्रोजन है यहां पर 8, यस 8 ही है, यहां पर एक भी नहीं है। तो यहां पर अगर 8 हाइड्रोजन है यहां पर एक भी नहीं है तो क्या करेंगे हम क्या ऐड करेंगे यहां पर 8H+ ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करेंगे बाय एडिंग ऑफ H+, तो हो गया 8H+। तो यस हमारा रिएक्शन हो गया, इसे हम यहां पर लिखेंगे प्लस 8H+, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप
चार्ज बैलेंस अपने आप ही हो गया, आंसर हो गया, बस इतने दो स्टेप के अंदर ही आंसर कर लिया हमने। तो अब चेक करेंगे कि आंसर राइट है अपना। तो चेक कैसे करेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए, दोनों तरफ के एटम सेम होने चाहिए। चेक करो, चलो यहाँ पर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर 2- का, चलो इस पर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज बोल रहा हूँ -2, लेकिन 3 है तो कितना हुआ -6। यहाँ पर कितने है 8, एच पर +1 का है लेकिन 8H है तो मतलब कितना हुआ 8H, तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है इसका 0, -8 +8। चलो यहाँ पर काउंट करो, 3 प्लस का चार्ज है और 2 है तो मतलब कितना हुआ +6। यहाँ पर 3 है -2 है मतलब -6, तो ये भी कितना हुआ 0, तो दोनों तरफ चार्ज क्या हुआ इक्वल हुआ, मतलब आंसर राइट है अपना। दूसरा, जितने क्रोमियम उतने क्रोमियम, जितने ऑक्सीजन उतने ही ऑक्सीजन, जितने सल्फर है उतने सल्फर है, जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन है, इसी को बोलते हैं बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। अब तुम्हारा आंसर क्या हुआ एग्जाम के लिए, तो ये जो आंसर आ रहा है आगे वही तुम्हारा आंसर है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो ये डेटा तुम्हारा आंसर है। तो अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर हम लिखेंगे। तो यही है एसिडिक मीडियम से रिलेटेड। अब इसके बाद हम बेसिक मीडियम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, इससे पहले इसे लिख लो। चलो सेकंड एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, MnO4- प्लस I- गिव्स MnO2 प्लस I2, और कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, गिवन रिएक्शन है उसे बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। स्टेप वही वापस आंसर ऑप्शन क्या होंगे, तो आगे कितना आ सकता है ना उसी से रिलेटेड ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, Mn का कितना होगा -8 है सामने गया तो +7, ऑक्सीजन पर तो -2, I पर -1 है मतलब -1, Mn का कितना हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है -4 है सामने जाकर +4, और I2 है तो मतलब यहाँ पर कितना हुआ 0 हुआ। चलो फर्स्ट Mn देखो किस में कन्वर्ट हुआ, +4 में +7 से, और I- किस में कन्वर्ट हुआ तो +7 से +4 डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये क्या हुआ रिडक्शन हुआ, -1 से 0 इंक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। फर्स्ट स्टेप क्लियर, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है फाइंड आउट कर लिया। सेकंड स्टेप के लिए चलो, बैलेंस द एटम विच ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, जो ऑक्सीडाइज और जो रिड्यूस हो रहा है उसे वही एटम को बैलेंस करो। चलो I1 है यहाँ पर, I2 2 है तो I2 को क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस, Mn तो एक ही है, Mn एक ही है, Mn ऑलरेडी बैलेंस है, तो दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, चेंज कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में उसे बैलेंस करना है। चलो इसमें कितना चेंज आया +7 से +4, 3 का डिक्रीमेंट आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, 3 का डिक्रीमेंट है। चलो यहाँ पर एक आयोडीन के लिए काउंट करना, -1 से 0 एक का चेंज आ रहा है, -1 से 0 हो रहा है, एक का चेंज आ रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आयोडीन कितने यहाँ पर 2 है तो कितना इंक्रीज हुआ 2, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है 2, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 बैलेंस करना है मुझे, तो बैलेंस कैसे करेंगे, इसे हम कितने से मल्टीप्लाई करें 2 से, इसे कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से, बैलेंस करना है सिंपल सा। तो ये रिएक्शन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसे कितने से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो वापस लिख रहा हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, 2 MnO4- प्लस इसे 3 से मल्टीप्लाई मतलब 6I- 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करना है 6 हो जाएंगे, सामने क्या आ रहा है वो कितने से मल्टीप्लाई करना है इसे 2 से, 2 MnO2 प्लस इसे कितने से 3 से मल्टीप्लाई करना है 3I2। तो क्लियर है थर्ड स्टेप, यस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो रहा है उसे हमने बैलेंस कर लिया। अब उसके बाद जो स्टेप है बेसिक मीडियम में ध्यान रखना, सबसे पहले चार्ज बैलेंस करेंगे बाय एडिंग ऑफ OH-, चार्ज काउंट करो कितना हो रहा है, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है वहां पर कितना है वो, तो फोकस करो यहाँ पर, इस पर -1 का है और 2 है तो कितना हुआ -2, यहाँ पर -1 है और 6 है तो कितना हुआ -6, तो कितना हुआ टोटल -8 चार्ज है यहाँ पर। अब सामने कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं इंडिविजुअल नहीं, तो टोटल चार्ज तो 0 है, यहाँ पर माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 8 का चार्ज लाना पड़ेगा, तो चार्ज किससे बैलेंस करते हैं OH- ऐड करके, तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे
8 OH माइनस, क्योंकि OH माइनस पर एक है तो हो गए ना 8 माइनस चार्ज। तो यहां पर भी 8 माइनस का चार्ज है, वहां पर भी 8 माइनस का चार्ज है, मतलब ये वाला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या बैलेंस करना है हमें, ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय एडिंग ऑफ H2O। ऑक्सीजन काउंट करो कितने ऑक्सीजन है यहां पर, यहां पर कितने ऑक्सीजन है 8, यहां पर कितने ऑक्सीजन है 2 and 2 4, और यहां पर 8, मतलब 12 ऑक्सीजन यहां पर है और यहां पर 8 ऑक्सीजन है, यहां पर 12 है यहां पर 8 है, चार ऑक्सीजन की कमी है यहां पर। तो क्या करेंगे हम, प्लस 4H2O ऐड कर दे यहां पर, हो गया। अब हाइड्रोजन तो अपने आप बैलेंस हो ही जाता है यहां पर, ओके। यही सबसे बढ़िया मेथड है क्योंकि हाइड्रोजन और चार्ज दोनों में डायरेक्ट अपने आप से ही लास्ट वाला स्टेप हो ही जाता है। अब चेक करके देखो आंसर राइट है कि नहीं है। टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना, दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चलो काउंट करो यहां पर टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज यहां पर कितना है -2 -6, कितना है -8 का चार्ज है यहां पर, यस है। चलो सामने आ जाओ, यहां पर टोटल चार्ज -8 है, तो दोनों का चार्ज क्या हुआ, इक्वल हुआ, यस अपना आंसर राइट है। एक और चीज कैलकुलेट कर लेना, एटम यहां पर जितने MN है वहां पर भी उतने, जितने ऑक्सीजन उतने ऑक्सीजन, जितने आयोडीन है उतने ही आयोडीन, जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन, दोनों तरफ एटम भी बैलेंस होगा और दोनों तरफ चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बैलेंस होगा। इसी को बोलते हैं बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। तो बढ़िया सा है स्टूडेंट्स, ओके। जब नीट और JEE के लिए MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाली मैथड मोहिद्दीन सर की मैथड सीख लेना और यही पैटर्न से MCQ सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा मेथड है ना, हाफ रिएक्शन मेथड, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी कुछ डिफरेंट टाइप के MCQ बनते हैं, ओके। तो वो डिफरेंट टाइप के MCQ कैसे बनते हैं उससे पहले हम मेथड देखेंगे, फिर इसी से रिलेटेड दोनों क्लास को कवर करके बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन के जो नीट और JEE के इंपॉर्टेंट MCQ है वो MCQ सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स रेगुलर रीडिंग करते रहो, मैक्सिमम पढ़ाई करते रहो और मैक्सिमम मार्क्स केमिस्ट्री जहाँ मैक्सिमम मार्क्स आ ही जाएंगे तुम्हारे अगर रेगुलर रीडिंग कर रहे हो। क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है, क्वालिटी वाले MCQ जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो भी आ रहा है वो सब कुछ रीड करते जाए, नो। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन करना, क्वालिटी वाले MCQ सॉल्व करना, जब भी अपना टाइम दे रहे हो तो यस जरूरी है। तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो, वो बहुत जरूरी है। फिर ऐसा नहीं है कि कुछ भी सीख लिया और एग्ज़ाम आई और हमें कुछ पता नहीं है, तो नो। तो सभी स्टूडेंट्स लगे रहे, बेस्ट ऑफ लक सबको।